पुलिस के पूर्व अधिकारी शैलेंद्र सिंह का जीवन मुख्तार अंसारी ने खराब करने का बेहद ही प्रयास किया था। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के कारण न्याय मिलने जा रहा है। अहम निर्णय के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को 2 हफ्तों के अंदर सौंपने का आदेश दे दिया। ऐसे में अब मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा संतोष मिला होगा तो वो है अधिकारी शैलेंद्र सिंह। अधिकारी की खोए हुए गुणों को लौटाने में पीएम मोदी और योगी सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। अक्सर अपने आदर्शों का पालन करना आधुनिक समय में मुसीबत का कारण भी बन जाता है। ये बात शैलेंद्र सिंह से बेहतर आखिरकार कौन जानता है। आज से 17 साल पहले सुरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के DSP के पद पर तैनात थे। तब उन्हें मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा के तहत मुकदमा चलाया था। फिर क्या था, मुख्तार अंसारी शैलेंद्र के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया था। उसे तत्कालीन मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का पूरा समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने मऊ दंगे के दौरान और अंसारी का भी बचाव किया था। दोनों ने मिलकर अधिकारी सुरेंद्र सिंह पर मामले को वापस लेने का दबाव बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों को ही आगे रखा। वही इंटरव्यू में अधिकारी ने बताया कि जब हमारी टीम ने हथियारों को जब्त किया था तो हम पर हमले वापस लेने का दबाव बनाया गया था। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें जेल में डाल दिया जाता। हमारी टीम ने जान पर खेलकर इन हथियारों को रिकवर किया था और उसके बाद इस तरीके से हो रहा है, ऐसे कोई काम कर सकता है। अपनी पूरी व्यथा को बताते हुए शैलेंद्र सिंह रो पड़े थे। उन्होंने बताया कि पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ कैसे वाराणसी में एक झूठा मामला दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर उनको कारावास की यात्रा भी झेलनी पड़ गई थी। इसी दौरान यदि कोई उनके साथ था तो वह केवल योगी आदित्यनाथ थे, जो उस समय गोरखपुर से लगातार 3री बार सांसद चुने गए थे। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।